Oh, mare a te l'altro. Chiama da dove? Guarda, mi devi la sveglia. मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो बता देता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी लड़खड़ा गई थी। अभी 70% मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी। मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉगिंग करियर की एक नई शुरुआत करी जाए, क्योंकि पिछले काफी टाइम ब्लॉग बंद हो गए थे। डेली ब्लॉग का तो छोड़ ही दो, एक दो ब्लॉग में कर रहा था, तो मैंने सोचा कि फिर से नई शुरुआत करते हैं ब्लॉगिंग करियर। देखिए अभी भी गले में थोड़ी हल्की सी खराश है, थोड़ी वीकनेस है, लेकिन अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज से हम कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी ब्लॉगिंग। है जी, माहौल काफी बढ़िया है, संडे है आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा संडे दोपहर के बजे है 3 o'clock। क्लिनिक से आया, डायरेक्ट सो गया और अभी उठा हूँ, और उठने के बाद भैया सीधा आपसे बातें कर रहा हूँ। तो अभी मैं बैठने वाला हूँ एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करेंगे, आपके सामने व्लॉग को पेश करेंगे। एडिटिंग के लिए मैं बैठा हूँ ऊपर वाले रूम में, क्योंकि नीचे ठंड ज्यादा लगती है। मेरा जो हॉल है और नीचे का जो बेडरूम है वो थोड़ा नॉर्मल लेवल होता है हमारे जमीन का, उससे अंदर है 2-3 फुट, तो वो क्या ठंडा रहता है ज्यादा, ऊपर थोड़ा बेहतर लगता है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, बाहर से धूप भी आती है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के एडिटिंग करूंगा, नीचे बैठूंगा तो फिर वो कंबल ओढ़ के मुझे बैठना पड़ेगा। नीचे के रूम का फायदा समर में काफी अच्छा है, ठंडा रहता है एकदम, फैन की और ऐसे की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऊपर विंटर में अच्छा रहता है। इस तरह से बैलेंस किया है इस घर को। शिट मैन, एडिटिंग के चक्कर में दोपहर की दवाई तो पीना भूल गया। मेडिसिन जरूरी है भैया, अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ, थोड़ी बहुत एनर्जी आई है लेकिन कम्प्लीटली ठीक होने में टाइम है अभी। ये बच्चे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो सो गया मिकी माउस। उठ गए क्या? कहाँ पे हो? Where the hell are you man? ये मत के चक्कर। ओके चलिए पहले दवाई पी लेते हैं, श्वेता जब थोड़ी रेडी होते हैं तो मिलते हैं। ये पुराने कुछ कैमरास है वो मिले, उसको स्टूडियो में पीछे लगाने की सोच रहे हैं हम। ऐसे ही पड़े हैं, पीछे थोड़ा सेट करेंगे तो लगेंगे। ये फ्लैश लाइट है, ये हमारा रोबो, और ये मैं पानी ये रख के चला गया था दवाई पीने के लिए। पी लेते हैं भाई, दवाई पी लो। देखिए श्वेता कुछ खा रही है, मैं ये पी रहा हूँ। छोटा बच्चा बन गया हूँ मैं आजकल, सिरप पीना पड़ता है। याद दिलाते हैं मुझे कि पी लो दवाई, तब याद आता है। इसलिए कुछ पेशेंट मुझे मना करते हैं सीरम देने से, आज पता चला। वैसे पेशेंट को तो बहुत सलाह देते हैं, उनको की बारी आती है तब कुछ करते नहीं। लाइफ में सब कुछ सहन करना पड़ता है ना, सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। क्या हंस रहे हो? ओ शिट, आप तो गायब हो गए। वो जो वॉल का कलर है वो आपके फेस पे मैच हो गया। क्या कर रहे हो? मुझे भी तो थोड़ा, आप परेशान नहीं हो गए मेरी केयर करते करते? थैंक यू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुंह छोटा हो गया आपका एक्सरसाइज के बिना। टाइफाइड में ऐसा ही होता है, जो हमारा मसल है और फैट है वो लूज हो जाता है, तो मैं चपटा हो गया। आपको भी टाइफाइड हो जाएगा तो आप भी पतले हो जाओगे। मेरे कॉलेज टाइम में बहुत होता था। इसको टाइफाइड इतना गंदा वाला होता है ना, महीने दो महीने तो निकल जाते हैं ना आपको रिकवरी में, एकदम दुबली पतली हो जाती है। अभी क्या बहुत टाइम हो गया हमें बाहर गए हुए, आसपास कहीं पे जाएंगे बैठेंगे, ये भी बोर हो जाती है काम करते करते। बड़ी अच्छी स्टोरी है इसके पीछे। पापा का एक स्कूल देखने आया था फिरंगी, बहुत टाइम पहले, जब तब तो मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, तब हमको कैमरा क्या है पता ही नहीं था। पता तो था लेकिन कोई परचेज नहीं कर पाता था, हमारी भी ऐसी कुछ हालत नहीं थी। तो वो फिनलैंड से आया था फिरंगी, तो पापा के स्कूल देखने आया था, पापा के साथ रहा 2-3 महीने, तो उसका फ्रेंड हो गया। तो ज़्यादा टाइम वो जब गया तब कैमरा देके गया था पापा को। ये कैमरे से हमने काफ़ी जो फोटोज़ है ना वो इस कैमरे से लिए थे, वो आपने एल्बम नहीं देखे मेरे छोटे बचपन वाले? इस कैमरे में क्या वो कोटेक का जो रोल आता है ना, वो रोल लगाना पड़ता है फिर खींचना पड़ता है। ये तो पता नहीं बंद हो गया, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं करके देखा, बहुत टाइम हो गया, देखना पड़ेगा क्या कुछ कर सकते हैं। तो वैसे वो रोल तो मिलने बंद हो गए, अभी कोटक के मिलते थे रोल, येलो कलर के आते थे। मेरे पास भी कैमरा है मेरे एलर्जी का, तो है, वो है अभी घर पे, वो रोल वाला था। हाँ तो वही, ये भी तो रोल वाला है ना, ये दूसरा भी रोल वाला था, ये तो पता नहीं कब लिया था लेकिन ये भी रोल वाला है, पीछे रोल लगता है। ये अच्छा हुआ कैमरा आपने ढूंढ लिया, या अपन रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर है। 2-3 कैमरा लेके जब तक सीधा अपना कामकाज खत्म कर लेते हैं तब तक हम थोड़ा सा हाथ चलाते हैं, एडिट कर लेते हैं, फिर जाते हैं। सांस फूलने लगता है, अभी भी दिक्कत है भैया, हमारे लंग्स में दिक्कत है अभी भी। कहीं पे क्राउड वाले प्लेस में नहीं जा रहे हम, दो जन ही है, तो ऐसी कमेंट मत करना कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो या फिर क्वारंटीन रखो ऐसा। वैसे भी मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव है, मैंने बताना भूल गया आपको। ठीक है, कहाँ आ गए हम यूही साथ साथ चलते, आसपास है हरियाली ही हरियाली, थोड़ी देर चिल करेंगे बैठेंगे फिर जाएंगे। ये क्या हो गया भाई, सामने ट्रैक्टर आ गया, रास्ता ब्लॉक है शायद। ओह वाओ, अभी ट्रैक्टर
अबे ओ ट्रैक नहीं नहीं है, रास्ता है, साइड से निकल जाएगा। आज़ादी, आज़ादी का अनुभव हुआ आज बहुत टाइम बाद। पिछला समय तो मेरा पूरा ऐसे ही गया, ये पूरा वीक तो मैं बीमार रहा, आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ बाहर आके। अब घर पे बेड पे ही पड़े रहते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है, आपको फील होता है लिटरली कि आप बीमार हो। जैसे ही ऐसे बाहर आते हो तो आप भूल जाते हो थोड़ी देर के लिए, जैसे जब नेचर में आते हो तो आप भूल जाते हो कि आप इतने बीमार रह चुके हो। पावर है नेचर का। आराम कर करके आराम करके थक गया था। खुली हवा में जो मजा आया, क्या बताऊं आपको, मजा आ गया भाई आज तो। चलिए ऊपर चढ़ना होगा, गिर ना जाऊं कहीं, चोट वोट लग गई तो दिक्कत हो सकती है। क्या कर रही है? हेलो मेरा, व्हाट आर यू डूइंग? व्लॉग। किसके व्लॉग? किचन के। किचन अर्जुना के। ओके, एंजॉय कीजिए आप व्लॉग अपना। आए और फिर हम वेब सीरीज देखने लगे। तीन चार दिन मैंने वेब सीरीज देख के ही निकाले तो वो क्या, वेब सीरीज सब आ जाती रह गई। अभी वो देखी, गंदी हैबिट पड़ जाती है भाई वेब सीरीज की। सदा पहले देखा करते थे वेब सीरीज, मैं नहीं देख रहा था क्योंकि मुझे पता था कि साला एक बार देखेंगे तो वो पूरी देखनी पड़ेगी। फिर सदा क्या बोलती है, आपकी हेल्थ का ठिकाना है नहीं और सपने देखते हो लद्दाख के बाइक राइड के तो उसकी बात तो सही है, मुझे पहले मेरी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। मैंने जो लास्ट 4 महीने है ना, कसम से इतना जो मेरी मेंटेन पूरी बॉडी थी वो पूरी 4 महीने में मैंने साफ कर दी। अब ध्यान तो देना होगा भैया, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपको लंबे ट्रैवल ब्लॉग करने हैं तो फिर आपको हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, फिर आधे रास्ते से घर आना पड़ेगा, वो मजा नहीं आएगा। आपको अचानक मेरी याद किसे आ गई? मोहतरमा ने खाना रेडी कर दिया है, खा लेते हैं आपका हुक्म सराफ हो गए। क्या चंपी कर दो? क्या चोट लगी? चोट लगी सिर पे। अगर एक बार आपने रूटीन फिक्स कर लिया तो आपका फिर कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन एक बार आप रूटीन से भटक गए तो फिर भैया मज़ा नहीं आता। तो ये मैं एडिटिंग यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ, तो मैं जाता हूँ नीचे खाता हूँ और फिर सो जाऊँगा। ये लैपटॉप ऐसे ही रखने वाला हूँ, सुबह उठ के साथ करूँगा एडिटिंग, क्योंकि अभी तो भूख लगी है और नींद आ रही है। तो गुड नाइट। अच्छा गुड नाइट तो हमने बोल दिया था, लेकिन श्वेता को मिलना भी ज़रूरी था। क्या कर रहे हो? पापड़ आप खाओ। खाने का मन तो है, खाऊंगा यार, 3 दिन तो हो गए, अब तो खा सकता हूँ यार। तो रोज तो खाते हो, झूठ मत बोलो। खाता था मैं रोज, लेकिन पहले क्या खाता था, दो दो पापड़ एक साथ खा लेता था, अब नहीं खाता ना। कौन सी सब्जी बनाई? मसूर। ये सब मसालेदार मैं कब खाऊंगा, ये मसाला देख के मुंह में पानी आ रहा है मेरा तो। ओके तो खाना खा ले। मुझे हरी मिर्च खाने का मन कर रहा है। लो हरी मिर्च। फिर कल क्या होगा मेरा? हरी मिर्च निकलेगा, मेरे इंटेस्टाइन में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा, फिर पूरा खाना ऐसे भी हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा हो जाता है, टाइफाइड बढ़ गया तो ऐसा होता है फिर। ओके चलो बाय बाय। आजकल क्या हो रहा है, जब भी मेरा व्लॉग खत्म होने को आता है बैटरी भी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिक कैमरा बंद हो जाता है। तो ये कैमरे का और मेरा जो सिंक है वो अच्छा बैठ गया है, इतने दिनों बाद भी हमारी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है कैमरे के साथ। ठीक है, ये व्लॉग को यहीं पे रखते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, मिलेंगे एक अच्छे बेहतरीन व्लॉग के साथ। ये 2 व्लॉग आपको शायद बोरिंग लगे, मेरे में एनर्जी नहीं थी, श्वेता में भी एनर्जी नहीं थी, कल से या फिर उसके अगले दिन से व्लॉगिंग में आपको पुराना जो मेरा रूप है वो देखने को मिलेगा। ये व्लॉग अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब लोग सेफ रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी रखे, और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मोमेंट आउट फ्रॉम बिजी रूटीन टू वॉच दिस वीडियो। खुश रहे, जुग जुग जिए। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।